बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। मुल्तान पब्लिक स्कूल और कॉलेज मुल्तान। मैं हूँ आपकी टीचर मैविश सईद, जमात सोम। सबक नंबर 11। सबक का उन्वान है इल्म का शौक। नर्दबान सफ़ा नंबर 6-10 और इसम मार्फा इसम नकरा। इल्म का शौक, ख़ास अल्फाज, अहमियत, बैतुल हिकमत, साइंस, इजाद, मशीन। आज से 1200 साल पहले की इस्लामी दुनिया में इल्म को बहुत अहमियत हासिल थी। इस ज़माने में बगदाद में बैतुल हिकमत खोला गया। बैतुल हिकमत का मतलब है इल्म का घर। बैतुल हिकमत में दुनिया भर से साइंस और रियाजी की हज़ारों किताबें रखी गई थीं। मुसलमान उल्मा और तलबा इन किताबों को पढ़ते थे। इसके बाद वो अपने तजर्बे करते और मज़ीद किताबें लिखते थे। मुसलमानों ने इस दौर में बहुत कुछ ईजाद किया, जैसा कि अलजज़री ने एक ऐसी मशीन बनाई जो ज़मीन के नीचे से पानी निकाल सकती थी। मरियम अजलिया ऐसी छोटी मशीनें बनाती थीं जिनसे किबले की समत का पता लगाया जा सकता था। अज़हरवी ने एक ऐसा धागा बनाया जो आज भी डॉक्टर ज़ख़म सीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह इल्म हासिल करने की शौक़ की वजह से मुसलमानों ने बहुत तरक्की की और दुनिया को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। डियर स्टूडेंट्स, आप सब ने इस सबक की 2 से 3 दफ़ा पढ़ाई करनी है, मुश्किल अल्फाज की इमला करनी है और आपने मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करना है। यहाँ पे बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो कि नए हैं, जो आप पहली दफ़ा लिख रहे होंगे, आपने उनकी खूब प्रैक्टिस करनी है। मुनज़्ज़ा ज़ेल अल्फाज के हरूफ अलग करें। इल्म, ऐन, लाम, मीम। रियाजी, रे, ये, अलिफ, ज़ाद, छोटी, तजर्बा, ते, जीम, रे, बे, हे, तजर्बा। मशीने, मीम, शीन, ये, नून, ना, मशीने। सवालात के जवाबात दें। बैतुल हिकमत कहाँ खोला गया? बैतुल हिकमत बगदाद में खोला गया। बैतुल हिकमत का क्या मतलब है? जैसा कि हमने सबक में पढ़ा है, बैतुल हिकमत का मतलब है दानाई का घर। मरियम अजलिया की इजाज़ से किसकी समत का पता चलाया जा सकता था? सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 का जवाब आएगा, मरियम अजलिया की इजाज़ से किबले की समत का पता चलाया जा सकता था। दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। मशीन, मुसलमानों, तजर्बों, बैतुल हिकमत। बगदाद में डैश खोला गया। बगदाद में क्या खोला गया था बेटा? आपने सबक पढ़ा था, सबक में था, बगदाद में बैतुल हिकमत खोला गया। मरियम अजलिया की डैश से किबले की समत का पता चलता। क्या आएगा यहाँ पर? मरियम अजलिया की मशीन से किबले की समत का पता चलता। नंबर 3 है, मुसलमानों के डैश से साइंस में बहुत तरक्की हुई। क्या आएगा? मुसलमानों के तजर्बों से, मुसलमानों के तजर्बों से साइंस में बहुत तरक्की हुई। नेक्स्ट है, डैश ने उस दौर में बहुत तरक्की की। किसने बहुत तरक्की की थी? मुसलमानों ने उस दौर में बहुत तरक्की की। पहले में आएगा बैतुल हिकमत, दूसरे में आएगा मरियम अजलिया की मशीन, दूसरे में मशीन आएगा, तीसरे में आएगा तजर्बों, नंबर 4 में आएगा मुसलमानों। दुरुस्त जवाब के सामने दुरुस्त का निशान बनाएं। बैतुल हिकमत का मतलब है बादशाह का घर, नहीं, रोंग है, ये फ़ाल्स है, यहाँ पे क्रॉस का निशान आएगा। बैतुल हिकमत में रियाजी और साइंस की किताबें रखी गई थीं, ये दुरुस्त है। अलजज़री ने ऐसी मशीन बनाई जो ज़मीन के नीचे से मिट्टी निकालती थी, गलत, गलत है, ये रोंग है। मरियम अजलिया की मशीन से किबले की समत का पता चलता था, बिल्कुल, ये दुरुस्त है, सही जवाब है, टिक का निशान लगेगा। अज़हरवी ने ऐसी सुई बनाई जिससे सखम सीते हैं, ये रोंग है, ये गलत है, इस पे क्रॉस का निशान लगेगा। जुमले बनाएं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने हर लफ्ज़ के 2-2 जुमले बनाने हैं। दुनिया, दुनिया गोल है, मुझे दुनिया घूमने का शौक़ है। किताबें, मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है, मेरी लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें हैं। इजाद, मुसलमानों ने उस दौर में बहुत सी चीज़ें ईजाद की। इस्तेमाल, बिजली की चीज़ों को एहतियात से इस्तेमाल करो। शौक़, मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है। नेक्स्ट है नर्दबान।
नर्दमान में हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, बेटा इसम, इसम किसे कहते हैं? इसम कहते हैं किसी शख्स, चीज़ या जगह या जानवर के नाम को इसम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। इसम की कितनी इकसाम है? इसम की दो इकसाम हैं, इसम नकरा और इसम मारफा। इसम नकरा कहते हैं इसम आम को और इसम मारफा कहते हैं इसम ख़ास को। इसम नकरा वो नाम जो हम किसी भी आम शख्स, चीज़, जगह या जानवर के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसम नकरा कॉमन नाउन कहलाता है, मसलन लड़का, सड़क, फल, पहाड़, मस्जिद वगैरह। मस्जिद इसम मारफा वो नाम जो किसी ख़ास शख्स, चीज़, जगह या जानवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसम मारफा प्रॉपर नाउन कहलाया जाता है, मसलन तारिक रोड, हमालिया पहाड़, बादशाही मस्जिद, चौसा आम वगैरह। दिए गए इसम नकरा से तीन तीन इसम मारफा बनाइए। इसम नकरा लड़की, इसम मारफा बनेगा आमना, सबा, कंवल। पेंसिल डॉलर की पेंसिल, फिश पेंसिल, गोल्ड पेंसिल, कलर पेंसिल, ठीक है। मुल्क पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, चीन, भारत, आप किसी भी मुल्क का नाम लिख सकते हैं बेटा। किताब कुरान मजीद, उर्दू की किताब, नर्दबान। परिंदा शाहीन, कबूतर, चील, कौवा, इस तरह से। सब्ज़ी, सब्ज़ी में आपको जो पसंद हो उसका नाम लिख दें आप, भिंडी, तोरी और आलू। रोड मुल्तान रोड, कचहरी रोड, बोसन रोड। बेटा आपने इस बुक एक्सरसाइज को आपने मुकम्मल करना है और साथ ही आपने इसम मारफा और इसम नकरा को भी अच्छी तरीके से याद कर लेना है। सफ़र नंबर 6 और 10 को भी याद करना है और ये सबक इल्म का शौक के सवाल जो आपने नोटबुक पे लिखने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।